हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीहान सोनी चैनल। मैं आप लोगों के कहने पर लेके आई हूँ मीशो हॉल। इस बार मैं इंडियन वेयर नहीं लेके आई हूँ। आप लोगों ने मुझे डीएम किया था कि दी आप कुछ वेस्टर्न वेयर लेके आइए, तो मैं इस बार मीशो में वेस्टर्न वेयर ड्रेसेस लेके आई हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो काफी पसंद आ रही है, उसके लिए थैंक यू। मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ, आप लोगों के कहने पर न्यू न्यू ब्लॉग्स लेके आऊंगी, न्यू न्यू ड्रेसेस का कलेक्शन लेके आऊंगी, और आप लोग मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो मैं इस बार लेके आई हूँ ना तो साड़ी और ना ही कुर्ता और ना ही कुर्ती सेट। मैं इस बार लेके आई हूँ वेस्टर्न वेयर ड्रेसेस जो अभी काफी ट्रेंडिंग है, और मैं आप लोगों को ऐसे ही ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ड्रेसेस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो मैं इस बार लेके आई हूँ काफी सारा कलेक्शन जो न्यू एंड ट्रेंडिंग ड्रेसेस हैं। तो मैं लोगों के साथ मैं ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट ड्रेस है जो है कॉट सेट। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का कॉट सेट लेके आई हूँ। मैंने इन सभी की अनबॉक्सिंग कर ली थी। तो फर्स्ट ड्रेस है जो टू पीस में मुझे ये कॉट सेट रिसीव हुआ है। कुछ इस तरीके का इसमें प्रिंट है, ग्रे एंड लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये प्रिंटेड डिजाइन दी हुई है। कमर में इसमें इलास्टिक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये काफी इलास्टिक दार है। और इसमें साइज की बात करती हूँ तो सभी साइज अवेलेबल है। आप लोगों को जो भी साइज चाहिए वो आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बॉटम की बात करती हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके का इसमें बॉटम दिया हुआ है। काफी सुंदर, काफी यूनिक है, और कॉट सेट अभी काफी ट्रेंडिंग है। तो फर्स्ट मेरा जो सेट है वो कॉट सेट है। मैं इसके टॉप की बात करती हूँ तो कुछ इस तरीके का टॉप मुझे रिसीव हुआ है। स्लिप इस तरीके का कुछ टॉप रिसीव हुआ है मुझे। देखिए ये प्रिंट काफी सुंदर प्रिंट है। स्लिप्स की बात करती हूँ तो इसकी स्लिप कुछ इस तरीके की दी हुई है। ये 3/4 भी नहीं है और फुल भी नहीं है, ये 3/4 से थोड़ा सा कम है। और मैं इसके नेक की बात करती हूँ तो कुछ जो इसका टॉप है वो कुछ इस टाइप का स्टाइलिश टॉप है, फ्लेयर है तो टॉप में। इसका जो नेक है वो काफी अच्छा लगेगा। मैं आपको इसका ट्राई ऑन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग काफी अच्छे से जान पाएंगे कि इस किस टाइप का कॉट सेट है। इसके कपड़े का मैं क्लियर नहीं कह सकती हूँ, मैं आपको कपड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साइजेस में काफी ज्यादा अवेलेबल है, आप अपने साइज के अनुसार इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट कॉट सेट है वेस्टर्न वेयर ड्रेस मुझे काफी पसंद आया। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग जल्दी जल्दी जाइए चेकआउट करिए और ऑर्डर करिए। थर्ड जो मैं वेस्टर्न ड्रेस लेके आई हूँ वो इस बार लेके आई हूँ जंपसूट। जंपसूट और कॉट सेट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो सेकेंड जो है वो जंपसूट इस टाइप का है। फर्स्ट मैं नेक की बात करती हूँ तो भी नेक प्रोवाइड हुआ है इसमें। स्लीव्स की बात करती हूँ तो स्मॉल स्लीव्स दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। वी नेक काफी अच्छा लगता है वेस्टर्न वेयर ड्रेसेस में। मैं हमेशा ही वेस्टर्न वेयर में वी नेक प्रोवाइड करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वी नेक ड्रेस पहनूं वेस्टर्न वेयर में। और सेकंड चीज जो मैं बात करती हूँ तो इसमें कुछ इस तरीके की बेल्ट दी हुई है टाई करने के लिए, आप अपनी फिटिंग के अनुसार इसको टाई कर सकते हैं। पॉकेट दी हुई है, दोनों साइड पॉकेट है तो आप अपना सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। पहनने के लिए इसमें बैक साइड में जिप दी हुई है, कमर तक जेब है, आप इजीली इसको पहन सकते हैं और उतार सकते हैं। इसको उतारने पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कपड़े की बात करती हूँ तो कॉटन इसका कपड़ा है, काफी अच्छा कपड़ा है। और प्रिंट तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर प्रिंट है इसमें। प्रिंट में दो प्रिंट अवेलेबल थे, एक व्हाइट में और एक ये पिंक रेड का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे इस टाइप का कलर काफी अच्छा लगा और इसलिए मैंने ये बाय किया है। इसके बॉटम में जो फ्लेयर देख रहे हैं वो काफी ज्यादा फ्लेयर है। जो जंप सूट होते हैं उसमें काफी कम बॉटम में फ्लेयर होता है, बट इसमें काफी अच्छा फ्लेयर दिया हुआ है। जब आप इसको स्टाइल करेंगे तो एक स्कर्ट का, इसका जो स्कर्ट एक होता है उस तरीके का घेरे वाला जंप सूट आएगा। तो मैं इसका ट्राई ऑन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, यदि आप लोगों को पसंद आता है तो ऑर्डर करिए। और इसमें टू प्रिंट है, साइज अवेलेबल है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे कहने से मैं आपको बताती हूँ ये दोनों सेट काफी अच्छे हैं और इसमें साइज भी अवेलेबल है, तो आप जल्दी जल्दी जाइए ऑर्डर करिए चेकआउट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टाइप का आप लोगों को ये ड्रेस लगी। थर्ड है जो वो भी मैं जंपसूट लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि जंपसूट एंड कॉट सेट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो आप लोग इसे मिस मत करिए। खरीदने से पहले मेरी वीडियो जरूर देखिए। तो कुछ इस तरीके का
जंपसूट है। नेक की बात करती हूँ तो कुछ वी नेक है। मुझे वेस्टर्न वेयर ड्रेसेस में वी नेक काफी अच्छी लगती है और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ज्यादातर वी नेक वाली ड्रेसेस लेके आती हूँ क्योंकि स्टाइल करने में काफी अच्छा लगता है। स्लीव्स की बात करती हूँ तो स्लीवलेस दी हुआ है। पहनने के लिए आपको साइड में जिप दी हुई है, काफी लॉन्ग जिप है इसमें तो इजिली आप इसको वेयर कर सकते हैं। साइज की बात करती हूँ तो 36 मैंने साइज मंगवाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा जब मैं जंप सूट पहनती हूँ तो ज्यादा फिटिंग वाली नहीं, थोड़ा सा लूज होने चाहिए क्योंकि बॉडी इसको पहनने से काफी टाइट हो जाती है तो मैं थोड़ा सा लूज साइज मंगवाती हूँ। मैं इसके फ्लेयर की बात करती हूँ तो ये काफी चिपका हुआ नहीं है, काफी अच्छा है इसका फ्लेयर भी, देख सकते हो आप लोग काफी अच्छा फ्लेयर है इसमें भी, बट जो रेड वाला फ्लेयर है उससे थोड़ा सा कम है। ये देखिए रेड वाले का काफी ज्यादा है, ग्रीन वाले का थोड़ा सा कम है, बट स्टाइल करने पे ये काफी अच्छा लग रहा है और मैं इसका आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी और इसको ट्राई करके बताऊंगी तो आप लोग उसमें प्रॉपर चेक कर पाएंगे ये किस टाइप का जंपसूट है। कमर में कुछ इस टाइप का बेल्ट दिया हुआ है टाई करने के लिए, आप इजिली इसको टाई कर सकते हैं अपने कमर के अनुसार। दोनों साइड में पॉकेट दी हुई है, देख सकते हैं आप। टू सेकेंड, इसमें यहाँ पे पॉकेट दी हुआ है, आप इजिली अपना मोबाइल रख सकते हैं, अपनी की रख सकते हैं, अपने मनी रख सकते हैं, तो आप अपने अनुसार इसमें आपको जो भी रखना है वो रख सकते हैं। कलर की बात करती हूँ तो काफी सारे कलर इसमें ऑप्शन है तो आप अपने चॉइस के अनुसार अपने कलर को चूज कर सकते हैं। साइज मैंने बता चुकी हूँ काफी ज्यादा है। कपड़े की बात कर रही हूँ तो मैं ये जो रेड वाला है ये कॉटन का कपड़ा है, इस कपड़े को मैं क्लियर नहीं बोल सकती हूँ बट काफी मोटा कपड़ा है, इसको वॉश करने पर इसमें रुएं नहीं आएंगे इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ क्योंकि कपड़े छूने से ही पता चल जाता है कि किस टाइप का कपड़ा है। तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ट्राई ऑन में सभी प्रॉपर आपको बता दूंगी कि क्या प्राइस है इसकी और क्या कपड़ा है, तो आप वहां से प्रॉपर वीडियो देखिएगा, आप लोग चेक करिएगा और ऑर्डर करिएगा। फोर सेट है मेरा कॉट सेट, तो टू पीस में ये कॉट सेट रिसीव हुआ है मुझे। मैं बॉटम की बात करती हूँ तो इस तरीके की बॉटम है, यहाँ से पतला है फिर थोड़ा सा ब्रॉड दिया हुआ है, बॉटम में ये कट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं स्टाइल के लिए थोड़ा सा कट हुआ है। कॉटन का ये कपड़ा है, बॉटम में भी पॉकेट दी हुई है, कमर में इलास्टिक दी हुई है, ये थ्रेड दिया हुआ है टाई करने के लिए, आप अपने कमर के अनुसार इसको टाइट कर सकते हैं। साइज इसमें अवेलेबल है, कलर भी इसमें अवेलेबल थे। मैं इसके टॉप की बात करती हूँ, कुछ इस तरीके का टॉप मुझे रिसीव हुआ है, कॉटन का ये कपड़ा है, इसमें कॉटन में ये पतला पतला थ्रेड वर्क दिया हुआ है। मुझे इसमें जब ये रिसीव हुआ तो कुछ थ्रेड इसमें निकले हुए थे जिसके कारण मैंने इसको एक्सचेंज करा है, तो मुझे दो तीन दिन में दूसरा रिसीव हो जाएगा प्रोडक्ट, बट मैं इसको एक्सचेंज करा दी हूँ क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े थ्रेड निकले हुए हैं। राउंड की एक नेक की बात करती हूँ तो राउंड नेक दिया हुआ है, सामने डिजाइन में ये बटन दिए हुए हैं, ये बटन ओपन नहीं होते हैं, ये शो के लिए बटन दिए हुए हैं। तो टॉप में भी काफी घेरा है और अभी जो सीजन चल रहा है ना तो वो समर चल रही है और ना ही विंटर चल रहा है, तो आप डेली में या आपको कहीं जाना हो ट्रेवल करने के लिए तो आप इसको इजिली वेयर कर सकते हैं, काफी स्टाइल लुक देगा तो आप इसको रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये चार कॉट सेट लेके आई थी और जंप सूट लेके आई थी, आप लोगों को इनमें से जो भी जंप सूट परचेज करना हो जो भी पसंद आता है वो आप जल्दी जल्दी जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए, ऑर्डर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कॉट सेट एंड जंप सूट पसंद आया। मैं अपनी फिफ्थ ड्रेस की बात कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके की ड्रेस है, मैंने इस बार मंगवाया है आपके लिए फ्रॉक, तो मैं फ्रॉक का रिव्यू करने जा रही हूँ। मैं नेक की बात करती हूँ तो वी नेक मुझे रिसीव हुआ है और प्रिंट की बात करती हूँ तो येलो एंड व्हाइट का प्रिंट दिया हुआ है, इसमें राउंड राउंड व्हाइट दिया हुआ है। स्लीव्स की बात करती हूँ तो स्लीवलेस है, इसमें अंदर भी स्लीव दी हुई है, आप अपने चॉइस के अनुसार इसको स्टिच करवा सकते हैं, यदि आप लोग को स्लीवलेस पहनना पसंद है तो स्लीवलेस रखिए। मैं इसके फ्लेयर की बात करती हूँ तो काफी सुंदर फ्लेयर दिया हुआ है, काफी ज्यादा फ्लेयर दिया हुआ है। कपड़े की बात करती हूँ तो कॉटन इसका कपड़ा है, कमर टाई करने के लिए ये रिबन दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके की ये फ्रॉक मुझे रिसीव हुई है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन नहीं और भी अवेलेबल नहीं है, कलर के लिए व्हाइट एंड येलो का ही एक ऑप्शन दिया हुआ था। साइज जरूर इस पे अवेलेबल है, आप अपने बॉडी के अनुसार अपने
साइज के अनुसार ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इन पांचों में से कोई भी ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जल्दी जल्दी चेकआउट करिए, ऑर्डर करिए। और आपको कौन सी ड्रेस पसंद आई है मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप आगे किस तरीके की वीडियो मेरे साथ देखना पसंद करेंगे तो मुझे ब्लॉग में आप मेरे साथ आगे किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही रिव्यू हॉल लेके आती रहूंगी। आप मेरे रिव्यू को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और डीएम भी कर रहे हैं, और आप लोगों के कहने पर इसलिए मैं इंडियन वेयर के अलावा भी वेस्टर्न वेयर भी लेके आई हूँ, और इसके बाद मैं काफी ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट भी लेके आऊंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को कंटिन्यू प्यार देती रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।